सुशील जी कैसे हैं सब लोग भाई। दोस्तों मैं आज मेरा एक नया हॉस्टल बना हमारा सील सी का माँ साकंबरी के नाम पे बेटियों का हॉस्टल है। तो आज हम हॉस्टल राउंड पे थे तो वो छत पे आया तो बहुत खूबसूरत दिखता मेरा सीकर यहाँ से। आप सब लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ जाएं। आप एक कैमरा घुमाएं पूरा, देखो कितना खूबसूरत है मेरा सीकर। वो देखो हमारी पीछे कर्मस्थली है, आप यहाँ लाए। वो देखो हमारी कर्मस्थली सीएल से लिखा हुआ है, वो हमारी भावस्थली है, ये हमारा विजय ग्राउंड है, वो हमारे बाकी हॉस्टल है, ये पूरा शहर, ये मेरा खूबसूरत सा शहर जहाँ रात नहीं होती है, जिस शहर में रात नहीं होती है, जहाँ 24 घंटे बेटे बेटियाँ अपना भविष्य बनाने के लिए तत्पर के सीएलसी के बच्चे रहते हैं। कोई प्राइवेट हॉस्टल है, कोई सीएलसी के हॉस्टल है, सब में बच्चे सीएलसी के रहते हैं। और ये बहुत खुला सा शहर है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सीएलसी का ये है कि सीएलसी के आसपास आज भी खूब खाली जगह पड़ी है, क्योंकि कोई सफोकेशन नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। पूरा शहर देखे मेरा, ये हमारा पूरा शहर देखा है आप। ये हम लोग हमारा नया हॉस्टल बनाया माँ साकंबरी के नाम पे, वो मेरा घर आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा बणिक की बालाजी दिखाई दे रहे हैं। ये देखो इधर आ जाओ तो हमारा बाबा हॉस्टल, ये एक टाइम में इस कॉलोनी का सबसे बड़ा हॉस्टल हुआ करता था, आज ये बहुत छोटा हो गया क्योंकि सामने दूसरी बड़ी बिल्डिंग बन गई। पास आपकी केम स्कूल है, ये अन्य इंस्टीट्यूट्स के देखो यहाँ होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इस शहर की रात को जगमगाते होर्डिंग्स, सीएलसी आई, सीएलसी के बाद बहुत सारे मित्र आए, कुछ प्रयास करके आंशिक सफल हुए, कुछ सफल नहीं हो पाए, कुछ प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग मिलके शहर को बना रहे हैं। तो बिल्कुल डियर लाइव आप सब लोग जुड़े हुए हैं। देखो ये शहर का नज़ारा है मेरे आई लाइव, तो ये मेरे शहर का नज़ारा है। ओके दोस्तों, तो मैं आज छत पे आया, तो छत पे था जब था तो मैंने कहा एक बार इच्छा होगी मेरी, तो मैं एक दो लाइव भी नहीं आ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सीकर में हूँ, हॉस्टल राउंड पे हूँ, इसलिए मैं वो गौरव पथ यात्रा भी नहीं कर रहा हूँ। नीट का रिजल्ट भी आने वाला है और कल मैं जयपुर जाऊँगा। मुझे आपको पता है बहुत खुशी हो रही है, कल महामहिम राज्यपाल के द्वारा सीएलसी सम्मानित हो रही है, वो सम्मान लेने मैं कल जयपुर जाऊँगा। मुझे बहुत खुशी होती है राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जब सीएलसी के अच्छे कार्य के लिए मुझे सम्मानित करेंगे, एक घर के मुखिया के नाते मेरा सौभाग्य है। इसके लिए पूरी लोगों ने मेरा हर कदम पे कहीं ना कहीं साथ दिया कि हम महामहिम राज्यपाल के द्वारा सम्मानित होने के स्टेज पे आए। खैर वो कल फोटो के बाद आपसे बात करेंगे। तो आज जो भी जुड़े हुए लाइव स्ट्रीम से कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट अभी 2022 के लिए है एडमिशन ले चुका है, उनकी क्लासेज चल रही हैं शानदार। अभी 31 अक्टूबर तक 21 दिन मिशन है हमारा, 17 का संडे, 17 अक्टूबर का संडे, 24 अक्टूबर का संडे, 1 अक्टूबर का संडे, 3 वीक हमें जम के काम करना, फिर 4 नवंबर दीपावली है। अभी हमारा एक ही मिशन है कि 3 वीक 18 क्लासेस को बहुत शानदार करें। पूरी टीम, पूरा मैनेजमेंट, उनके सारे लोग लगे हुए हैं कि बेस्ट 18 दिन करें ताकि बच्चा 4 नवंबर को बहुत प्यार से अपने घर जाए, उसके बाद वापस दीपावली बाद आगे लगे, फिर एग्जाम नीट और जेई 2022 तक कोई ब्रेक नहीं, ना थकना है, ना रुकना है, ना झुकना है। इतनी सी बात आपसे करनी थी। और जो मेरे बेटे बेटियां नीट 2021 के मार्जिन केस पे हैं तो समय व्यस्त नहीं करें, तुरंत आएं, सीएलसी आएं, उंगली पकड़े सीएलसी की। लास्ट आप किस कोचिंग में थे कोई मुद्दा नहीं है, इस साल आप सीएलसी का साथ दें, सीएलसी के साथ सीएलसी का फायदा लें, सीएलसी के साथ रहें, सीएलसी की क्लास, सीएलसी के टेस्ट, सीएलसी का कैंप, सीएलसी की असेंबली, सीएलसी का सिक्स पैक और सबसे बड़ी सीएलसी की केयरिंग, जो केयर सीएलसी करते हैं, पैरेंटल केयर दीवार पे लिखाओ सब नहीं साहब। और सीएलसी क्या करती है ये तो हमारे गौरव पथ के लाइव देखें, जहाँ गार्जियंस कहते हैं, कोर्ट करते हैं, क्या क्या करती है सीएलसी। ये डियर दोस्तों फिर से कैमरा घुमाएं, फिर से आप पूरा कैमरा घुमाएं, एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, एक बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा इस शहर का। देखो ये मेरा सीकर शहर, ये मेरा शहर, बिल्कुल ये मेरे सपनों का शहर। आज के 25-26 साल पहले मैंने सपने पाले थे कि एक दिन मेरा शहर भी कोटा जैसा एक बड़ा शहर बनेगा। अब बिल्कुल बड़ा शहर बना, लेकिन संस्कार और केयर आज भी यहाँ जिंदा है। वो देखो मेरी कर्मस्थली, वो हमारी सीएलसी कर्मस्थली है। अब दोस्तों ये जहाँ से मैं लाइव कर रहा हूँ, ये हमारा एक साकंबरी माँ के नाम पे एक नया हॉस्टल बनाया हमने, एक बहुत अच्छा हॉस्टल है हमारा, बहुत शानदार, मतलब ये कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन है उनमें सबसे सुंदर बिल्डिंग है। ये हमारी भावस्थली की बिल्डिंग है दोस्तों। अब ये हमारा नाथ जी हॉस्टल जहाँ मेरी 500 बेटियाँ रहती हैं बहुत बहुत ही सुख सुविधाओं के साथ। ये हमारा विजय ग्राउंड, ये हमारा विजय मंच, ये हमारी विद्यास्थली, ये KVM, वो आप देखें वहाँ आई ट्रस्ट माई CLC, कितना खूबसूरत नज़ारा। अब आज हजारों हजार, देखो ये देखो ये बाबा नाथ जी हॉस्टल की विंडो देखो, इस हर विंडो के पीछे एक डॉक्टर सपना पाल रहा है, एक इंजीनियर बैठा है, एक गांव से झोंपड़ी की बेटी खोपड़ी अपने सपने पालती हैं दोस्तों। ये शहर है मेरा,
ये मेरा बाबा हॉस्टल, वो विंडो बाबा हॉस्टल की है जहां से सुनील बिश्नोई जैसे बच्चे निकले, जिन 3300 रैंक दिया दोस्तों सीएलसी को, सीकर को, जो शायद इस बार अपने आप में रिजल्ट। उधर वो हॉस्टल हमारे देखो तनोट हॉस्टल, ये सारे हॉस्टल, ये मेरा शहर, बहुत खूबसूरत है मेरा शहर यार। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कैमरा श्रीराम जी मेरे ऊपर लेके आए। 26 साल पहले पाड़ा सपना वैसे ही है, जैसे पिता के सामने उसकी औलाद बड़ी होती है, उसका औलाद, उसके बच्चे जवान हो के सक्षम होते हैं, तो जो खुशी पिता को होती है वही खुशी मुझे हो रही है। 96 में जब यहाँ मैंने कोचिंग का बीज बोया था, मजाक के पात्र थे, उपहास के पात्र थे, लेकिन 26 साल से उसी जोश के साथ, या यूं कहो ज़्यादा जोश के साथ लगा हुआ हूँ। तो मेरा बेटा साहिल मेरे साथ जब से खड़ा हुआ है, मेरे निरिश्ते मेरे साथ खड़े हुए हैं, उसके बाद तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और कोरोना के टाइम में तो जो फिल्ट्रेशन करके, जो बिल्कुल वो कहते ना इस बगीचे में छटाई करके, कटाई करके, बिल्कुल सब बिल्कुल काट छटा करके, ऐसा एक सुंदर बगीचा तैयार हो गया सीएलसी, बहुत खूबसूरत सीएलसी। थैंक यू। तो प्लीज़ नीट और जेई 2021 सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो आए फॉलो करें सीएलसी को, दामन थामे सीएलसी का, उंगली पकड़े सीएलसी। निर्मल गहलोत जी देख रहे हैं, निर्मल गहलोत जी, निर्मल गहलोत साहब यदि लाइव देख रहे हैं तो मेरा लाइव सफल हो गया। निर्मल गहलोत वही व्यक्ति हैं जो आज नाम है राजस्थान में, तो फिर तो लाइव सफल हो गया आना, तो लाइव सफल हो गया। निर्मल जी के लोग उसके उसके डायरेक्टर देख रहे हैं, तो मेरा उनको नमस्कार है, प्रणाम है, उम्र छोटी मुझसे फिर प्रणाम करना चाहूँगा, साधुवाद दूंगा उस शख्स को, जीता समाज के लिए है, गजब सर मसूट करता हूँ आपको, रियली आप समाज की शान है। कल प्रकाश माली साहब आए थे, तभी चर्चा आपकी चली थी, कल प्रकाश माली साहब सीएलसी थे, ऐसे किसी यात्रा पे आए थे, तो मेरा सौभाग्य था कि प्रकाश माली सीएलसी आके गए थे, तो हम 5-6 घंटे दोनों भाई साथ रहे। छोटे भाई की तरह मानता हूँ प्रकाश तिवाली को, मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे बड़ा भाई मानते हैं। बहुत से लोग होंगे जो छोटा भाई मानने को तैयार है, और वो मुझे बड़ा भाई मानते हैं, प्रणाम करते हैं, तो लगता है कि एक अच्छा संस्कारी लड़का है हमारा, ऐसे कहूँगा। वो भगवान के गले में सरस्वती विराजमान है, और वो दीपावली के बाद फिर से टाइम में आएंगे, सब मेरी चर्चा हुई, बाकी तो डिस्क्लोज खुद करेंगे प्रकाश जी, वो एक सेलिब्रिटी है, तो उनके बारे में डिस्क्लोज मैं नहीं कर सकता, इतनी मेरी गुस्ताखी नहीं करना चाहूँगा मैं। तो प्लीज़ सब लोग देखो, मैं एक बात कहता हूँ जी, आपको कहीं ना कहीं पढ़ना है भाई, तो सीएलसी आ जाओ ना। बहुत सारी कोचिंग काम करती हैं, मैं कहता हूँ सीएलसी बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो औरों के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे कई पॉइंट हैं जो औरों के पास नहीं है, जो औरों के सेंटीमेट्रिक उनके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन केयर, प्रॉपर गाइडेंस, एक मैनेजमेंट और अच्छे टीचर से अच्छा काम करवाना। किसी रथ के घोड़े में 7 रथ घोड़े जोड़ना बड़ी बात नहीं, एक रथ में 7 घोड़े इकट्ठे करना बड़ी बात नहीं है, उन 7 जो हॉर्स होते हैं, उन जो ताकतवर होते हैं, उन सबकी ऊर्जा को एक साथ, घोड़े से मतलब हॉर्स पावर, आप जानते हो कि ऊर्जा का प्रतीक ही घोड़ा होता है, ऊर्जा का सिंबल भी घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, इसलिए हॉर्स पावर आप जानते हो, शक्ति की फिजिक्स की भाषा में मात्र हॉर्स पावर होता है, एलिफेंट पावर नहीं होता, अक्सर कहता हूँ मैं, लाइन पावर भी नहीं होता, शेर पावर भी नहीं होता है, हर्ष अश्व ही होती है ना, घोड़ा ही होता है, उन सबसे अच्छा काम कराने की कला दोस्तों आती है। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, इस कोचिंग इंडस्ट्री में कोचिंग कराने का अच्छा अनुभव मैं कैसे 26 साल से यही बैठा हूँ, उसी की देन है कि 700 से ऊपर 4 बच्चे नीट में दे रहे हैं, बाकी रिजल्ट आपके साथ आने वाला है, और 680 से ऊपर बड़ी संख्या सीएलसी के पास है, दिन में 1-2 बच्चा से मिल जाता है, वो 680 आ रहे हैं, उसको मैं ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता हूँ, ऐसे बच्चे प्रोसेस पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे बच्चे एक बड़ी संख्या 680 तक की, पिछली बार हमारे पास 680 से ऊपर 6 बच्चे थे, उस संख्या बहुत पीछे हो जाएगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, आपके अपने सीएलसी सीबीएसई का एक अच्छा स्कूल लॉन्च कर चुकी है, मेरे 7.5 वीरेंद्र जी हैं जो अलवर सेंटर हेड थे, वो आजकल वहाँ आ गए, वो पूरा संभाल रहे हैं, वहाँ कंचन मैडम हमारे जी प्रिंसिपल दोनों तो अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ एक अच्छी बिल्डिंग बन रही है, कटेवा जी उसके इंचार्ज हैं, सीसराम जी, कटेवा जी, पूरी टीम लगी हुई है, बीआर स्कूल एक अल्टीमेट सिस्टम शुरू कर रहे हैं, केवीएम को भी एक अच्छा डेवलप कर, नरेंद्र जी और बाजिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साहिल और नरेश जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ लगे हुए हैं, ये हॉस्टल उन्हीं की देन है कि आज उन्हीं के कारण एक अच्छा सा डेवलप हो गया हमारा, क्योंकि संसाधन बहुत जरूरी है, नोट ऑफ बच्चा चाहे झोंपड़ी का हो चाहे महल का हो, पढ़ने क्लास भी चाहिए, पढ़ने रहने का हॉस्टल भी चाहिए, अच्छा मैस भी चाहिए, संसाधन जरूरी है, उन सब में एक पूरा परिवार मेरा लगा हुआ है, मेरा काम एकेडमिक रहता है, मेरे परिवार के सब साथियों का, उसके बाद हमारी पूरी टीम लगी हुई है, एक हमारे मुकेश जी हैं जो बिल्कुल सैनिक क्लासेज के नाम पे बड़े सीख कोटे झुलरू चलाते थे, अच्छा इंस्टीट्यूट था, फिर मेरा छोटा भाई, मैंने कहा तो अकेला काम जो है, तो आपको पता 8 मार्च 2022 से हम लोग डिफेंस, NDA, एयरफोर्स और नेवी का, क्योंकि एक शानदार डेवलप करें उसके लिए।